आरो माय मम्मी गलत से एक और दू करे ले एक और दू करे ले गलत छ हम बैठे की हम की करे जे हमें घर बैठ ले पूरा संसार देखे छिए मालिक मालिक प्रणाम मालिक प्रणाम प्रणाम की हाल छे ज्ञानी ठीक छे मालिक कैसे आला होले कुछ काम रहे मालिक वो खातिर अपने के पास आइलो छिए अच्छा अच्छा आबो बैठिक बात करिए आबो ज्ञानी बैठो कहो आरु सब मालिक अपने तो जानता ही छिए हमरो माली हालत के बारे में हाँ ज्ञानी देखी रहले छन तोरा हालत हमरा मालिक हमरा अभी 25,000 रुपया जरूरत पड़ी गलो छ कृपा करी के हमरो मदद करिए ई रुपया हमें अपने के 6 महीना के अंदर लौटा देबे मालिक ई लाहो ज्ञानी जी 25,000 रुपया अपना परेशानी दूर करो लेकिन याद रखियो 6 महीना के पहले सारा रुपया वापस करी दियो हमरा दौड़ेल नहीं पड़े समझलो जी मालिक ठीक छे मालिक चले छी शुक्रिया मालिक प्रभात ज्ञानी कहाँ छे हो घरैम होते घरैम हाँ घरैम छे अच्छा ठीक के छे देखे छे ठीक छे मालिक ज्ञानी छे हो देखे छे ताला बंद छे अच्छा काल आवे छे फिरू लेते तो लोग मित्र बनी जाए छे और दैखना तो करी दे छे तकरार यही लिए लोग असनी नहीं दे छे उधार की करते आज दिनों से कान पकड़े छे अब केकरो मदद नहीं करबे ज्ञानी तो हमरा अच्छा पेचम फसाए दिल के भैया अब की बार अपना फसल देखी लागे छो कि अब की बार कर्जा उतरी छो हो भैया लाला आबी रहलो छे हो भैया ज्ञान विभाग बताए दो लाला आबी रहलो छे नुकाइस्ते चल 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 ई कर्जा कत्ते नु कछु भी करेते भैया के पता नहीं भैया हो भैया भैया हो भैया भैया हो लाला आबी रहलो छे नुकाबो हाय नुकाबो भैया जल्दी नुकाबो 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 जल्दी नुकाबो ज्ञानी ज्ञानी छो ओ ज्ञानी आइयो कहाँ कोई जल कई जे अरे बाप रे बाप आइयो ताला मार ले छे कोई तो जल का था ही नहीं दे रे बाप कहाँ चलो जा छे इसने अच्छा हम मुंह पीछा नहीं छोड़बो लाला जी गेल है ज्ञानी ज्ञानी छो आज बचिया छे घर हम देखे छे आगे लुलु पप्पा कहाँ छो
पप्पा स्वर्ग का पानी रोकल गेल छे। हां हां स्वर्ग के पानी रोकल गेल छ। अब भैया कहां छौ? भैया भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करल गेल छ। बिना झगड़ा के झगड़ा करल गेल छ। आरो माय मम्मी गेल छ एकक दू करल एकक दू करल गेल छ। कहां बैठे कि यहां की करे छ? हमे घर बैठले पूरा संसार देखे छी। बाप रे बाप तो हमरा से मजाक करे जितना तो हमरा सवालों के जवाब दे ले हमरा तो कुछ समझ में नहीं एलो। हमरा सीधा सीधा जवाब दे। अगर हमें सब बातों का मतलब समझा देवे अपने हमरा की देवे बच्ची जे तो बोलवा वहा तोरा दे देबो। अगर हमरो पापा के सारा कर्जा माफ करी देवे तब हम अर्थ समझा देवे। ठीक छो तोरा पापा के हम सब कर्जा माफ करी देवे। आबा त समझा दे मालिक। यह हम सब बातों का अर्थ नहीं समझावे पड़वे। कृपा करी के कल आबिए। कल हम ई बातों के सब अर्थ समझा देवे। ठीक छो तोरा सवाले एनो छो कि कल हमरा आबैल पड़तै। अच्छा बेटी हम कल आइबो। भैया फटाफट घानी देने रखो। भैया लाला जी अपना रखियो। लाला जी तो भैया को परेशान कर देने थे। आज फिर आ गई मुका जाए। की हाल प्रभात? प्रणाम मालिक। मिथिलेश जी देखे मालिक घर आए मत है। घर आए छह जइए मालिक जइए। आबिए मालिक बैठिए बैठिए। आइलिए बैठिए। ए हो बचिया कहाँ छे? आबो भैया इन्ने बैठो। बैठिए मालिक। हे गे नूनू आगे बेटी हिन्ना अब बेटी यहाँ आ। या बैठ। हाय बात बताओ बेटी काल जे हमरा कहला है कि मालिक काल अहो तब बतेबन चल ऊ बात समझाओ। मालिक अपने के कल वाला वचन याद छे ने? हाँ बेटी हमरा सब याद छे। जो वही बातों के सब अर्थ बतलाय देबो तब तोरा बापा के सब कर्जा माफ करी देबो। सबसे पहले हम ई कहने रहिए कि पापा गेलो छे स्वर्ग के पानी रोकै ले। हाँ तो एकरो मतलब की होले? एकरो मतलब छले काल जे बरसा पड़े ने रे। हाँ हाँ हमरा घर के छप्पर से पानी चुए रे वही पानी के रोकै ले हमरो पापा छप्पर पर चढ़लो रे आरो पानी आसमान से गिरै छे। आरु हमें सब जानै छिए आसमान ही स्वर्ग छिके। पहलो बात का अर्थ यह होले कि बाबू स्वर्ग के पुनी रोकल गेलो छे। वाह वाह एकरो अर्थ तो बहुत अच्छा से समझैले हमरा। लेकिन दूसरो बात के अर्थ की होते? कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करल गेलो छे ई हमरा समझाओ बेटी। एकरो मतलब छले भैया गेलो रे उलकुसी पत्ता तोड़े ले। अगर कोई उलकुसी के टहनी या पत्ता तोड़े छे ओकरा जहां तहां नोचनी हुए लगे छे जे बर्दाश्त से बाहर हो जाए छे यह होले बिना झगड़ा के झगड़ा करना। वाह बेटी वाह एकरो अर्थ समझा के तो हमरा गदगद करी देले। अब तेसरो बात के जे अर्थ छे उ हमरा समझाई दे। मालिक तेसरो बात हम ई कहने रहिए कि माय गेलो छे एकक दू करे ले। हाँ हाँ एकरो मतलब की होले जे माँ एकक दू करेल गेलो छो? एकरो मतलब छले कि माँ मटर के दाल दर्रेल गेलो रे। अच्छा मालिक मटर के दाल दरला से एकक दू होइए जाय छे।
एकरो मतलब होइन गेलै माय गेलो छै एकक दू करै ले। वाह बेटी वाह, अब हमरा चौथो बात के अर्थ समझाइए कि तो जे बोल रहा है कि हम घर बैठले सारा दुनिया देखै छियै। रहलै चौथी बात मालिक, ओइ समय हम भात बनाए रहिए, ओइ समय हम हंडी से चावल का एक दाना निकाली के देखे रहिए चावल पकले कि नहीं पकले। मतलब मतलब चावल के संसार के घर बैठले देखी लेलिए। वाह बेटी वाह, तोय तो बड़ा चतुर छे, अब बड़ा सयानी भी छे, लेकिन एक बात हमरा बताओ कि तो ये बात तो कल हो बोला पड़े रहे, लेकिन आज कथिल बोले ले। अपने तो देखलैन छलिए कल हमें भात बनाए रहिए, अगर हमें अपनो बातों का अर्थ अपने समझावे लगती है तो हमरो बात गिल्ला हो जाती है मालिक, तब हमरा माया जरूर पिटती है मालिक। आरु कल घर में कोई छेलबो नहीं करलो रे मालिक, तो हमरा बातों को विश्वास नहीं करती है कि अपने कर्जा माफ करी देने छे। आए गार्जियन सिनी के सामने में अपने के मुख से सुनी के कि अपने कर्जा माफ करी देने छे, ई सुनी के जहाँ मम्मी पप्पा का विश्वास भी हो गला और खुशी भी हो गले कि अपने पप्पा का सारा कर्जा माफ करी दिलिए। वाह बच्ची वाह, ई सब तो बोली तो हमरो दिल जीती ले, आज से तोरा पप्पा के सब कर्जा माफ करी दिलिए, ले हमरा तरफ से हार और चादर तोरा हम खुशी दिलिए, तोरा लेली हमरा घरों के दरवाजा सब दिन के लिए खुला रहतो। आरु तोरा कोई चीजों के जरूरत हो तोरा ये तोरा घरों में बेझिझक हमरा बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, हमरा रंग गरीबों पे कृपा कर लिए। हमरा मालिक नहीं कहा बेटी, अब हमरा हमरा बड़का पप्पा का। हमरा अब लेट हो रहा छो, हम चले छो। प्रभात जी मालिक, मिथलेश अब डरे की कोई बात नहीं छे, सब कर्जा माफ हो गले, ज्ञानी भी बोला कही दियो बेहिचक जहां मन तहां जाते जाते सदा के लिए हमरा यहां दरबार खुला छे। आबो भैया आबो, डरे की बात नहीं छे, सब कर्जा माफ हो गले। भैया बाहर निकलो, लाला जी ने सारा कर्जा माफ करी दल खा, अब डरे कोई बात नहीं छे। आबो भैया आबो। बाप रे बाप, हमने भाई सारा बात सुन लिए, ई बिटिया के वजह से आए हमें सनी भाई कर्जा मुक्त हो गई। भैया सीमा बिटिया के भागो से सब भाई उधार हो लिए। सावस बेटी सावस, भैया कर्जा माफ हो गलौ, सही बात छे। बाप के जे दर्द समझे, माय के जे लोर पूछे, भाई के दुख अपनाय के अपनो सुख लुटाय दिए, ई बेटियां भी ते माय के ही रूप होय छे, ई बेटी के ऊपर वाला ने उ ताकत दिले छे जे वक्त परला पर बाप के बेटा बनी जाय छे और औलाद के बाप बनी जाय छे। आपने सब ये फिल्म के माध्यम से देखलिए केना एक बेटी ने अपनो चतुराई से अपनो बाप के कर्ज से मुक्ति दिलाए दिलके, ऐ लेली कहे छिए बेटी भी बेटा से कम नहीं होई छै।